वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज मैं काफी दिनों के बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, क्योंकि घर में यार कुछ काम वगैरह चल रहा था, व्हाइट वॉशिंग वगैरह चल रही थी, तो उसमें बहुत ज्यादा बिजी हो रखे थे। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि हर काम का जो सारा देखभाल है, भागा दौड़ी मुझे ही करनी पड़ती है। तो इसलिए भाई वेरी वेरी सॉरी, बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो भाई आज आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ, और एक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आ चुका हूँ और आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे भाई ये वाला सवाल पूछ रहे हैं कि जो अर्बन क्रूजर है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि 2000 आरपीएम क्रॉस करने के बाद या लगभग 80 की स्पीड क्रॉस करने के बाद गाड़ी के इंजन सी या एक साउंड आती है, जिसकी वजह से जो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि इस गाड़ी का इंजन नॉइजी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये टोयोटा और मारुति के कोलैबोरेशन में डेवलप्ड एक के सीरीज का, K15B सीरीज का इंजन है, ऐसा नहीं है। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बताऊंगा, तो आइए आपको थोड़ा बताता हूँ इसके बारे में। अगर आपको अपनी कार का इंजन जो है नॉइजी लग रहा है, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि आप जो है उसे छोटे गियर में जो है गाड़ी को रेव कर रहे हो, मतलब थर्ड फोर्थ की स्पीड में, और जब गियर चेंजिंग का एरो आ रहा हो, जब आप गियर को चेंज कर रहे हो, तो आपको इंजन नॉइजी लग सकता है, क्योंकि आरपीएम जो डिजायर्ड लेवल से एक्सीड हो जाएंगे तो इंजन नॉइजी लगेगा। देखो ये मैं किसी के भी ड्राइविंग हैबिट के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा, सब लोगों का जो है ड्राइविंग पैटर्न अलग अलग होता है। कई लोग जो है इंजन को बहुत ज्यादा इंगेज करके ड्राइव करते हैं, कई लोग जो है गाड़ी को बहुत लाइट फुट पे ड्राइव करते हैं, तो सबका अलग अलग तरीका है। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं इंजन नॉइस की, तो नॉइस के लिए पहला फैक्टर यही हो सकता है कि आप छोटे गियर में गाड़ी को ज्यादा रेव करते हो तो आपको ज्यादा नॉइस सुनाई दे, क्योंकि ये इंजन जो है बहुत ही ज्यादा साइलेंट और जो है एक्सेलरेशन फ्रेंडली और पेपी टाइप का इंजन है। इसके अंदर आप जितना एक्सेलरेशन देंगे मैक्सिमम टॉप गियर के ऊपर, उतनी गाड़ी आपकी क्रूज होती जाएगी और लगभग 175 से 180 तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है ये गाड़ी की इसकी कैपेबिलिटी है। दूसरा जो इंजन है वो ये भी हो सकता है कि कई मेरे भाइयों ने कार बिल्कुल न्यू परचेस की हो। एक्चुअली एक साइंस का लॉ है कि जो भी न्यू मशीन पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ये फैक्ट है। मैंने भी गाड़ी ली थी, मैंने भी ये बात महसूस करी थी, पर मैंने अपनी बात किसी से शेयर नहीं करी, मैंने अपना जो है अपने माइंड इम्प्लीमेंटेशन से इस बात को डिराइव किया। और हाँ, मैं आज इस लेवल पर आ चुका हूँ और इस बात को अचीव कर चुका हूँ कि लगभग ये देख सकते हैं हम गाड़ी 11,039 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। तो इतने किलोमीटर ड्राइव होने के बाद जो शुरू में गाड़ी के अंदर जो आवाज़ या मतलब गाड़ी ऐसा लगता था जैसे फिफ्थ गियर पे, जब गाड़ी 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 के बैंड में थी, जब 3,000 ड्राइव हुई थी, तो गाड़ी के अंदर ऐसा लगता था थोड़ा पिकअप भी जो मतलब इससे प्रीवियस में जो भी गाड़ी चला रहा था उससे कम महसूस हो रहा था। और दूसरी चीज़ ऐसा था कि इंजन में साउंड भी ज़्यादा आ रही थी, मगर धीरे 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 ग्रेजुअली 5, 6, 8 और हाँ पहली सर्विस के बाद जिसमें इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ उसके बाद वो आवाज बिल्कुल चली गई। मतलब ये लगा लो आप 120-130 तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी भी चल रही है। हाँ, नो मैटर, विंड नॉइज गाड़ी के अंदर आती है, उसके लिए आप डैम्पिंग पे जा सकते हैं, मगर मैं जो हूँ थोड़ा स्टॉक टाइप पर्सन हूँ और मैं नहीं इन चीजों को करवाना चाहता, तो मैंने अभी तक कोई डैम्पिंग वगैरह कोई गाड़ी में करवाई नहीं है, क्योंकि मैं उस साउंड को थोड़ा बहुत म्यूजिक सिस्टम से कवर अप कर लेता हूँ, मुझे वो इतनी नीड नहीं है। लेकिन आप अपनी गाड़ी में 8-10 केजीज एक्स्ट्रा वेट अगर डालने में एग्रीड हैं तो आप डैम्पिंग के लिए जा सकते हैं, बट इंजन साउंड आपको कोई नहीं आने वाली 10,000 का बैंड करने के बाद पर, जो कि फर्स्ट सर्विस पे होने वाला है जिसमें आपका ऑयल चेंज हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जो आपके मशीन पार्ट्स होते हैं जैसे कि पिस्टन वगैरह, रिंग वगैरह, तो जो स्लीव से कॉन्टैक्ट होकर चलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हीट के कारण वियर एंड टीयर होता है न्यू पार्ट्स में, क्योंकि वो अपनी जगह को प्रॉपरली अटेन करते हैं, अटेन करने के कारण जो है उसमें एक स्लज वगैरह थोड़ा बहुत या मेटल के जो ब्रोकन पार्ट्स हैं नए इंजन में होते ही हैं, वैसे बहुत कम चांसेस हैं लेकिन होते ही हैं। उस वजह से क्या है थोड़ा सा आपको साउंड महसूस होता है, और ग्रेजुअली जैसे किलोमीटर कंप्लीट हो जाते हैं, जो 10,000 का पहली सर्विस का बैंड होता है उसके बाद जो है ये आवाज आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और लगभग 10,000 से 12,000 के आसपास बिल्कुल ही गायब हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा कभी कैबिन में कि गाड़ी 80, 100, 120 तक आप क्रूज कर रहे हैं और कार का इंजन रनिंग भी कर रहा है।
तो ये ऐसे डाउट्स हैं अपने भाइयों के जो हैं, मैं क्लियर करना चाहता था। बाकी ये जो बात मैंने बताई है ये ऑटोमेटिक जिन भाइयों के पास कार है उसमें लागू नहीं होती, क्योंकि भाई ऐसा है उसमें टॉर्क कन्वर्टर होता है। टॉर्क कन्वर्टर के कारण क्या रहता है कि इंजन थोड़ा सा ओवर रेव्ड रहता है हर बार, और एक बार एक स्पीड को अटेन करने के लिए अगर आप सडन एक्सेलरेशन करेंगे तो गियर पहले वो डाउन करके फिर ऊपर के गियर में जाएगा। जैसे चौथे में चल रहे हो और आप 80 की स्पीड में हैं, अब एकदम से 120 या 100 पे जाना चाहते हो, तो जो आप जैसे एक्सेलेरेशन पैडल को प्रेस करेंगे तो पहले गियर जो है उस आपके प्रेशर की इंटेंसिटी को सेंस करके गाड़ी को थर्ड गियर में या सेकंड गियर में लेके आए, फिर वो स्पीड अटेन करेगा और फिर जो है टॉप गियर में जाएगा। तो ये इंजन रेविंग का और जो इंजन की साउंड का थोड़ा सा इशू ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन मानिए फर्स्ट सर्विस के बाद जो कि जितनी भी फ्रिक्शन के कारण जो भी लॉसेस होते हैं वो सारे रिकवर हो जाते हैं, जितना भी वियर एंड टीयर होता है लगभग हो जाता है। उसके बाद जो है गाड़ी आप अपनी ध्यान से चलाएं, टाइम टू टाइम ऑयल चेंज करवाएं, आपको ऐसी कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, कोई इसके अंदर ऐसा साउंड नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी दी हुई जानकारी से आप जो है संतुष्ट होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं, और कोशिश ये रहेगी कि आप लगातार आपसे जो है रूबरू होते रहें और डेली बेसिस पे वीडियो लेके आएं, क्योंकि एक था कि मतलब अपना चैनल जो है मोनेटाइज हो चुका है और फर्स्ट इनकम भी जो है मैंने क्लेम कर दी है जो कि जल्दी आने वाली है, उसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आएंगे। और जो अपने वादा किया था कि सारे भाइयों को मतलब अपना सॉरी जितने भी ज़रूरतमंद लोगों को जो है हम लोग खाना खिलाने वाले हैं, तो वो भी जल्दी होगा। बस इसी तरीके से आप अपना प्यार देते रहें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, गिव अवेज मीटअप सब कुछ करेंगे। तो इसी नोट के साथ बस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और मेरे सभी भाइयों को राम राम।